Hi friends, my name is Pallavi, Vashisht, and I welcome you all to Netqualifiers. And this lecture is presented to you by me, Pallavi Vashisht, with our subject matter expert, Mr. Aditya Sharma. So let's get started. So all the learners out there, आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगा कि Netqualifiers के playlist में आप लोगों को एक teaching के concepts पर video मिल चुका है, जो कि syllabus के just बाद का video था. जो कि फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद आपको सेकंड वीडियो भी मिल चुका है जिसमें हम लोगों ने लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें थी इनको कवर कर लिया है. लेकिन आज आपको ऑब्जेक्टिव पर वीडियो और बेसिक रिक्वायरमेंट पर वीडियो देने से पहले हम लोग फिलोसफी पर एक वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि NTA नेट JRF जो है आजकल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है. एंड इसके सिलेबस में कहीं पर भी फिलोसफी मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार फिलोसफी से क्वेश्चन आया था तो हम लोगों ने ये सोचा कि आप लोगों को फिलॉसफी भी एक बार करवा देते हैं. एंड ये देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको फिलॉसफी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा एजुकेशन की या टीचिंग की फिलॉसफीज़ को समझना. सो अभी हम टीचिंग की फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को शुरू करने वाले हैं. तो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ मेजर फिलॉसफी और उसके अप्रोचेज देखने से पहले आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए कि NTA कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन सच फिलॉसफीज़. NTA इन फिलॉसफीज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकता है. और मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में भी इसके ऊपर बेस्ड जो एक क्वेश्चन था वो मैं आपको दे दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि किसका टाइप का क्वेश्चन आया था उसमें, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे. सो यहाँ पर है, एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन दी बेसिस ऑफ फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस. सी, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद करना है. मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि आपको इसको याद करना है. इसका मतलब है कि जो एजुकेशन है उसकी तीन बेसिस हैं. एक तो फिलोसफिकल, फिलोसफिकल में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, वाई, कि कोई भी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है. इसके अंदर आ जाता है कैजुअल रिलेशनशिप. अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. यानी कि फिलोसफी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती है, फिलोसफी आपको वाई का आंसर देती है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है. तो सिमिलरली एजुकेशन फिलोसफी से भी जुड़ा है. साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, हाउ. इसके अलावा जो सोशोलॉजी है उसमें व्हाट इज़ डिसाइडेड बाय द सोशल नीड्स, यानी कि जो हाउ है वो आपको साइकोलॉजी बताती है. एंड जो सोशोलॉजी है वो आपको व्हाट की, मतलब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या सोशल, मतलब लोगों की क्या नीड है, समाज की क्या नीड है, वो बताती है. सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एजुकेशन है वो फिलोसफी से, साइकोलॉजी से एंड सोशोलॉजी, इन तीनों से जुड़ा हुआ है. इन तीनों का बेसिकली एजुकेशन क्या है, इनके ऊपर बेस्ड है. तो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं भी होती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी. तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद अब हम अपनी मेजर फिलॉसफीज़ को शुरू करने वाले हैं. सो हम लोग की जो मेजर फिलॉसफी में सबसे पहली फिलॉसफी वो है आइडियलिज्म. नाउ आइडियलिज्म के अंदर एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं आइडिया. आइडिया कहाँ जनरेट होता है, आइडिया जनरेट होता है आपके माइंड में, राइट. सो अगर आइडिया माइंड में जनरेट होता है, यानी कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आपका सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से होगा, आपके खुद के माइंड से होगा. तो ये जो आइडियलिज्म की फिलॉसफी को मानने वाले पीपल्स हैं वो क्या कहते हैं, डिराइव फ्रॉम आइडियलिज्म अबाउट माइंड एंड सेल्फ. यानी कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज मिलेगी वो आपको आपके माइंड से मिलेगी, खुद से मिलेगी, यानी कि सेल्फ से मिलेगी. इसके अलावा अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, लाइक गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, यानी कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, भगवान ही हर चीज़ का निर्माता है, इन दी सेंस की नॉलेज भी तो फिर उसी ने बनाई है. सो नॉलेज को बनाने वाला कौन है, स्पिरिट, एंड माइंड को बनाने वाला कौन है, गॉड है. सो इसका मतलब ये है कि जो आइडियलिज्म है उसके अंदर बेसिक जो बातें हैं वो ये कहते हैं कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि आपको जो नॉलेज मिलेगा वो कहाँ पर जनरेट होगा, आपके माइंड में. और उसी चीज़ को ये आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन माइंड. जो असली नॉलेज होगी वो आपके माइंड में सबसे पहले जनरेट होगी. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस. यानी कि आपको जो नॉलेज मिल रही है आपके सेंसेस से वो असली नॉलेज नहीं है, ऐसा इनका कहना है. लेकिन वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आइडिया, यानी कि माइंड है, उसी में सारी रियल नॉलेज आती है, आपकी सेंसेस के थ्रू नहीं. अब सेंसेस, जैसे कि मैं आपको पहले भी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सेंसेस होती हैं वो पांच टाइप की होती है, साइट, सीइंग, राइट, साइट, हियरिंग, टच, स्मेल, ये सब चीज़ें जितनी भी आपकी सेंसेस हैं. इसका मतलब है
आपके सेंसेस से जो आपको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन या एनलाइटनमेंट कुछ भी कह रहे हो, आपको जो भी मिल रहा है वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? जो आपके माइंड में कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज जनरेट हो उसको हम क्या कहेंगे कि वो आइडियलिज्म या आइडियलिस्ट है, उसको फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर प्लेटो, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जो प्लेटो है वो एक आइडियलिस्ट ही तो है, वो एक आइडिया या यूरोपियन आइडिया को ही तो फॉर्मुलेट करते हैं। इसके बाद है श्री अरविंद विवेकानंद, ये सब कहते हैं कि आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा या जो कुछ भी है वो आपके माइंड से जनरेट होगा। इसके अलावा हम जिस कंपैरिजन में देख सकते हैं नेचुरलिज्म, जहाँ पे आइडियलिज्म कहता है कि माइंड में सब कुछ है, यानी कि माइंड ही सारे सोर्सेज या सारा नॉलेज का एक सोर्स है, वहीं पर ही नेचुरलिज्म या नेचर को मानने वाले कहते हैं इट डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज़ या माइंड एंड सेल्फ जैसी कोई चीज़ या सुपर नेचुरलिज्म जैसी कोई चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं, राइट। नेचर अलोन रिप्रेजेंट दी इंटायर रियलिटी, कहते हैं कि नेचर से ही सब कुछ है, नेचर से आपको जो चीज़ मिल रही है, नेचर से आपको जो नॉलेज मिल रही है वही रियलिटी है। ये मैटर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आपको एक चीज़ भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दो टाइप के पीपल्स होते हैं, एक जो आइडिया पर फोकस करते हैं और दूसरा जो मैटर पे फोकस करते हैं। जब हमारा अर्थ का निर्माण हुआ था, जब हमारी धरती का निर्माण हुआ था, तो उस टाइम पर बस दो ही चीज़ें थी, आइडिया एंड मैटर। तो जो आइडिया को मानने वाले हैं वो किसको मानेंगे? माइंड को मानेंगे, कि आपके माइंड में सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, नॉलेज जो होता है। लाइक आप बुद्धिज़्म को देख सकते हो, बुद्धिज़्म में क्या है, वो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध, क्या कहते हैं कि आपको थर्ड वे अपनाना है, यानी कि जो मिडिल पाथ है आपको वो अपनाना है। और मिडिल पाथ अगर आप अपनाओगे तो आप क्या करोगे, मेडिटेट करो, आप ध्यान लगाओ। जब आप ध्यान लगाओगे तो आपके माइंड में आपको जो भी नॉलेज गेन होगी, जो भी आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा, वो सब कुछ क्या होगा, आपके माइंड से जनरेट होगा, उसको हम आइडियलिज्म कहते हैं। सो सिमिलरली ये माइंड पर फोकस करते हैं, और जो मैटर को मानने वाले हैं, यानी कि जो नेचर जो नेचुरलिज्म को मानते हैं, वो मैटर पे फोकस करते हैं, यानी कि जो दिख रहा है वही रियलिटी है। यहाँ पे जो आपके माइंड में है वही रियलिटी है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वही आपकी रियलिटी है, राइट। यानी कि मैटर और आपका फिजिकल इन्वायरमेंट ही आपकी रियलिटी है। अब ये लोग बात करते हैं सेंसेस की। जब हमने आइडियलिज्म पढ़ा था तो उसमें वो कुछ सेंसेस पे फोकस नहीं करते। यहाँ पे है रियल नॉलेज इज परसीव्ड इन माइंड, जो रियल नॉलेज होती है वो माइंड से माइंड में ही परसीव्ड होती है, यानी कि माइंड से ही आपको मिलती है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस, यानी कि सेंसेस की जो नॉलेज, सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज मिल रही है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन सी है जो आपके दिमाग में है। वहीं ये लोग क्या कहते हैं, आर सेंसेस आर द गेट वे टू नॉलेज, यानी कि नेचुरलिज्म वाले क्या कहते हैं कि हमारी जो सेंसेस हैं वही हमारा गेट वे है नॉलेज को गेन करने का। नेचर ही है सारा सोर्स का, जो भी नॉलेज का सारा सोर्स है वो नेचर है। और यही अगर हम आइडियलिज्म की बात करें तो वो कहते हैं गॉड है सारे जो भी नॉलेज है उसका सोर्स। इसके अलावा इट मस्ट बी प्लेजरेबल, ये प्लेजरेबल होना चाहिए। माइंड इज सबॉर्डिनेट टू नेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर है माइंड इज सबॉर्डिनेट टू नेचर, यानी कि जो माइंड है वो नीचे है एंड नेचर ऊपर है। इसका मतलब है कि जो नेचर है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो उसको सुपीरियर है, यानी कि आपको जो भी आपका फिजिकल इन्वायरमेंट, जो भी आपका मैटर है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही सच है। सो रूसो क्या कहते हैं, नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज़ द ओनली टीचर, यानी कि नेचर ही एकमात्र आपका टीचर है। सो ये था नेचुरलिज्म के बारे में और आइडियलिज्म के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपनी सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी जो है प्रैग्मेटिज्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेट में कई बार ये प्रैग्मेटिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, तो आज आपको इसका मीनिंग ही पता चल जाएगा कि ये जो प्रैग्मेटिज्म है ये बेसिकली क्या बना है, होता क्या है। सो लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब है प्रैग्मेटिज्म को आप ऐसे समझ सकते हो प्राय, यानी कि प्रैक्टिस, या आप एक की वर्ड की तरह या समझ लो या कुछ भी ट्रिक समझ लो। तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब है प्रैक्टिस और एक्शन, एक्टिविटी डूइंग। इसका मतलब है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आपको उससे नॉलेज मिलती है तो वही है लर्निंग बाय डूइंग। और ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है। अब यहाँ पर है वट एवर इज़ यूज़फुल इज़ गुड एंड वट एवर इज़ गुड इज़ यूज़फुल, जो भी यूज़फुल है वो अच्छा है एंड जो भी अच्छा है वो यूज़फुल है। यानी कि ये बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आप करते करते सीख सकते हो कोई भी स्किल्स, करते करते बार बार अगर आप चीज़ों को रिपीट करोगे तो आप सीख जाओगे। तो कोई भी अगर आप प्ले कर रहे हो तो प्ले वे मेथड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खेल खेल में ही सिखा देना।
तो वैसे ही होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करते करते सीख जाना। आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हो, साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हो, वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो लर्निंग बाय डूइंग क्या है, इसने बुक में देखा होगा ये सारी चीज़ें, उसके बाद चलाना सीख गया या सीख गई जो भी है। और वैसे ही एक्सपेरिमेंट भी हम ऐसे ही करते हैं कि बुक को आप देखो, बुक में पढ़ो आप एक चैप्टर, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। सो आप करते करते सीखते हो, तो दिस इज़ व्हाट प्रैग्मेटिज्म इज़ ऑल अबाउट। एंड जॉन डीवे क्या कहते हैं, ही डिफाइंस एजुकेशन एज अ पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल इन हिज पॉसिबिलिटीज। तो आप अपने पॉसिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हो, आप अपने एनवायरमेंट के साथ, आपको एनवायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या जो भी आपको सीखने को मिलता है, आप उसको सीखो, उसको अप्लाई करो, और ऐसे करते करते आप फिर चीज़ों को सीखने लगोगे। सो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये भी होता है करते करते सीख जाना। तो इस वर्ड को आप ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब है कोई चीज़ बनाना, और कोई चीज़ बनती कहाँ है, तो आपके माइंड में बन रही है या आपके एक्टिविटी की वजह से बन रही है, आप कोई डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो। सो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है नॉलेज को बनाना, लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कि जो लर्नर होता है, जैसे कि आप लोग हो, आप लोग भी नॉलेज बनाते हो अपने माइंड में अपनी डे टू डे एक्टिविटी से। बाय ईच इंडिविजुअल एक्टिविटी, जो भी इंडिविजुअल एक्टिविटी आप करते हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्ट होता है। ऑर्गेनाइजर्स एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर इटसेल्फ, ये अपने लिए नॉलेज बनाते हैं। सो नॉलेज आपकी दिमाग से बन रही है, राइट? तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होगा जिसके अंदर एक लर्नर खुद नॉलेज बनाता है, राइट? उसके बाद आता है एक और फिलोसफी जिसको हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। अब यहाँ पे ह्यूमन आ रहा है, तो ह्यूमन को आप समझ सकते हो एक कीवर्ड है जिसका मतलब है कि ह्यूमन सेंटर में है, यानी कि आप जो भी काम करोगे आप उसको ह्यूमन के सेंटर, यानी कि ह्यूमन के हिसाब से करोगे। रिगार्ड्स ह्यूमन एज अ सेंटर एंड मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब में ह्यूमन को सेंटर में रखा जाता है और उनके वेलफेयर की बात हो जाती है। बिलीव इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि आप जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में सोचो। सो ये एक अपने आप में एक बड़ी फिलोसफी है ह्यूमनिज्म। इसके अलावा एक आता है रैशनलिज्म। तो रैशनलिज्म तो बहुत ही ईजी है, आपको इस वर्ड से ही समझ आ गया होगा। रैशनल यानी कि लॉजिक, इसका मतलब क्या है, रीज़न एंड लॉजिक, यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम सेंसेस एक्सपीरियंस। आप अपना खुद का लॉजिक लगाओ, राइट? इसमें रैशनैलिटी चलती है, इसमें सेंसेस का कुछ काम नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमारी सेंसेस भी धोखा दे जाती है, राइट? तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी चीज़ आपको एक और तरीके से नॉलेज मिल सकती है, वो है अपने लॉजिक के थ्रू, अपने रैशनल आइडिया के थ्रू, यानी कि आपको तर्कवादी होना चाहिए कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रैशनलिज्म का मतलब होता है जिसमें आप लॉजिक को अप्लाई करो। एम्पिरिसिस्ट का मतलब कौन क्या है, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो सबसे ज़्यादा बात करती है सेंस एक्सपीरियंसेस की, यानी कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन कुछ भी मिलता है वो सब आपके सेंसेस के थ्रू मिलता है, यानी कि टच, सीन, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, जितनी भी चीज़ें हैं सेंसेस के, जितने भी सेंसेस है, क्योंकि सेंसेस क्या होती है, गेटवे होती है हम लोग के नॉलेज के लिए। सो सेंस एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज। उसके बाद है एक्सटेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब क्या होता है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है कि एक इंसान की एग्जिस्टेंस की बात होती है। फिलोसफी दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि फ्रीडम एंड चॉइसेस। फ्रीडम एंड चॉइसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इंसान इतना एटलीस्ट कैपेबल हो, उसका इतना तो कम से कम अस्तित्व हो कि वो खुद इतना फ्री हो कि वो खुद चूज़ कर सके, राइट? कि उसको ये वाला रास्ता अपनाना है कि उसको ये वाला रास्ता अपनाना है, यानी कि वो अपने इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री हो। उसको आप खुला छूट दो, आप उसको थोड़ा सा चॉइसेस दो कि देखो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये सारे चॉइसेस हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि देखो उसका भी तो अस्तित्व है ना, उसको भी सोचने दो। तो ये कुछ मेजर फिलोसफीज थी। इसके अलावा कुछ और भी फिलोसफीज़ है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो गेस्टॉल साइकोलॉजी है, बट उससे पहले हम बिहेवियरिज्म पढ़ लेते हैं। सो बिहेवियरिज्म का मतलब तो यही होता है कि आपके बिहेवियर को बिल्ड करना, आपके अच्छे बिहेवियर को बिल्ड करना। इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब ऑब्वियसली अगर आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, रिपीट करोगे, ये नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितनी बार अपना रिवाइज़ करोगे, जैसे कि मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोज में बता चुकी हूँ कि अगर आप पूरा हफ्ता पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ संडे अपने लिए निकाल लीजिए जिसमें आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें, या फिर आप कुछ प्रैक्टिस सेट बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो इसलिए जो बिहेवियरिज्म है वो आपके बिहेवियर को बिल्ड करने की बात करता है। इसमें एक पॉइंट है विच इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज,
तो इसमें रिपीट करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है. इसके अलावा रिपीटिंग अ थिंग वुड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. ये वर्ड पहले भी आ चुका है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जिसका मतलब होता है सेंड एंड रिसीव. यानी कि आपको चीज़ों को सेंड, मतलब आपको जो दी गई है उसको रिसीव करना. अगर आप उसको बार 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 रिपीट करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा जो टूटेगा नहीं. इसके अलावा लॉ ऑफ इफेक्ट, इसका मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो प्लेजर मिल रहा है कि पेन मिल रहा है. उसके बाद गेस्टॉल साइकोलॉजी, ये जो गेस्टॉल साइकोलॉजी है इसको पढ़ने के लिए आपको ये पिक्चर्स देखनी पड़ेगी बड़े ध्यान से. एंड शायद हो सकता है जब मैं आपको बिहेवियरिज्म पढ़ा रही हूँ तो आप इन्हीं पिक्चर्स को देख रहे हो, क्योंकि आपको इसमें कभी कुछ दिख रहा हो कभी कुछ दिख रहा हो. इसी को कहते हैं गेस्टॉल साइकोलॉजी. सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये जो पिक्चर है उसमें एक आदमी का मुंह बन रहा है, राइट, ये दो तरफ, राइट, ऐसा लग रहा है. इसके अलावा अगर आप इस पूरे को हटा दो, राइट, तो आपको दिखाई देगा कि ये जस्ट एक नॉर्मल कुछ ऐसा है जो जैसे कि पहले टाइम के लिए होता था ना, कोई एक ऐसी चीज़ होती थी जिसमें से टाइम जो था वो पता चल जाता था कि इतना ज़्यादा गिर गया है, ये जो रेत है उससे टाइम का पता चल जाता है. तो कहने का मतलब ये कुछ पिलर भी हो सकता है, किसी किसी को पिलर भी दिखाई दिया होगा, किसी किसी को एकदम से ये चेहरे भी दिखाई दिए होंगे. तो इसे वो कहते हैं गेस्टॉल साइकोलॉजी. फर्स्ट वी परसीव द होल एंड देन इट्स पार्ट. सबसे पहले हम एक होल चीज़ को देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स को देखते हैं. और ये सब हम शायद मैक्सिम्स में भी पढ़ चुके हैं. मैंने आपको इसमें एक ट्री का एग्जांपल दिया था और एक पंखे का, जिसमें हम उसके विंग्स को देखते हैं. सबसे पहले एक आप पंखे को देखते हो, उसके बाद आप, मतलब आप एक पूरे पंखे को देखते हो, उसके बाद उसके विंग्स को देखते हो, फिर एक हर चीज़ को देखते हो, वायर्स को देखते हो. वैसे ही आप एक ट्री को देखते हो, उसके बाद उसके अलग अलग ब्रांचेस को देखते हो, फ्रूट्स को देखते हो, लीव्स को देखते हो, फ्लावर्स को देखते हो. तो सिमिलरली वैसी ही चीज़ है कि हम सबसे पहले किसी होल चीज़ को देखते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स को. अब जैसे कि अब आपको ये लग रहा होगा कि ये पेड़ है, बट देखा जाए तो यहाँ पर एक मंकी आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक शेर जैसा दिख रहा होगा. इसके अलावा यहाँ पर आपको एक आदमी दिख रहा होगा जो नॉर्मली बैठा है या कुछ कर रहा है, और ये उसकी नोज़ है. इसके अलावा आपको एक विमेन की फ़ोटो भी दिख रही होगी इस तरफ. तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको जो होल है पहले वो दिखाई देता है, और उसके बाद हम उसके कुछ कुछ जो भी पार्ट्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं. सो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान से समझिएगा, गेस्टॉल साइकोलॉजी आगे बहुत काम आने वाली है. इसके अलावा हम लोग की लास्ट फिलॉसफी जो है वो है एक्लेक्टिक फिलॉसफी. अब ये एक्लेक्टिक फिलॉसफी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज. इसका मतलब है कि चाहे जितने भी सोर्सेज हों, चाहे आइडियलिज्म हो, नेचुरलिज्म हो, गेस्टॉल साइकोलॉजी हो, इसके अलावा चाहे कोई भी, मतलब कोई भी फिलॉसफी जितनी भी हमने पढ़ी है अभी तक, जितनी भी फिलॉसफीज हैं, उन सबसे अच्छे अच्छे सोर्सेज को कंबाइन करना, कलेक्ट करना, कंबाइन ऑल गुड आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल फ्रॉम वेरियस फिलॉसफीज. सो जितनी भी फिलॉसफीज हम लोगों ने पढ़ी, चाहे वो एम्पिरिसिस्ट वाली हो, रैशनल वाली हो, बिहेवियरिज्म वाली हो, जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, उन सब ने जितनी भी गुड या जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप उसको मिला दो, उनका फ्यूजन कर दो, तो वो एक्लेक्टिक फिलॉसफी बन जाएगी. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेल्डन हैड एक्लेक्टिक रिलीजियस बिलीव्स, यानी कि वो इसमें भी बिलीव करता है, इसमें भी करता है, इसमें भी करता है, इसमें भी, हर चीज़ में बिलीव करता है वो, राइट. यानी कि उसने हर एक रिलीजन की जो भी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सब उसने ले ली है और सब उसने समझ ली है. इसी को कहते हैं हम एक्लेक्टिक फिलॉसफी. इसी के साथ हम अपने लेक्चर का एंड करते हैं. बेसिकली ये आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं था, लेकिन स्टिल आपको तब भी करा दिया गया है. आप इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड यस, आपका ये जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, qualifiersnet@gmail.com पर. एंड थैंक यू सो मच.